हेलो ग्रीटिंग्स ऑल ऑल ऑफ यू वेलकम ऑनलाइन वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एग्जामिनेशन इन इंडिया दोपहर के तीन बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ भाई साहब जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके जय हिंद ऑफिसर्स आ जाइए भाई सभी का स्वागत है हाय सत्यम कुमार गाजी तौफीक इलाही शिवम सिंघानिया सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन भाई जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है नोटिफिकेशन आप नहीं कह सकते आप कह सकते हैं कैलेंडर डिसाइड हो चुका है और आपको मालूम है कि 1 अप्रैल 2021 से यूपीएसआई का नोटिफिक नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 अप्रैल से आप उसका फॉर्म भर सकते हैं इस बार जैसा कि आप जानते हैं भाई साहब बंपर वैकेंसीज आई हैं छप्पड़ फाड़ हैं। आप जानते हैं नौ हजार पांच सौ चौतीस वैकेंसी टोटल इसमें आई हैं बिल्कुल बेटा हम मैंने आप लोगों के लिए सीरीज शुरू करी है बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहां पर पढ़ेंगे और आप जानते हैं बेटा कि आपका मूल विधि समझिएगा देखो बेटा आपका मूल विधि मूल विधि एंड कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा। सो अगर हम बात करते हैं तो मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन से अकेले बेटा 16 क्वेश्चन आएंगे 40 में से तो आपके नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा है कि 40 क्वेश्चन जीए के आएंगे जिसमें से 16 क्वेश्चन अकेले मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे और मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं पूरा सेक्शन आपको अकेले पढ़ाऊंगा मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन का इसके अलावा जोग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री करंट अफेयर्स इकोनॉमिक साइंस के अलग टीचर्स आपको दिए जाएंगे ठीक है बेटा सो याद रखिएगा यह मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं यहां पर आपको बहुत शानदार तरीके से मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूं याद रखिएगा भाई साहब सबसे सबसे ज्यादा तो जरूरी यह है कि पहले सेशन को सब लोग लाइक और शेयर करो यार ठीक है बेटा हां जी सॉरी विक्रांत मलिक साहब आ जाइए सभी का स्वागत है ठीक है ओके ठीक है बेटा तो आप जानते हैं कि मूल विधि से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं सबसे पहले बेटा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन याद रखिएगा सो ऑनलाइन की ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट इसे डाउनलोड कर लीजिए मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अब देखो बेटा सबसे पहले आप देख सकते हैं यूपीएसआई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन यूट्यूब शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे अब आप देखिएगा हमारा शेड्यूल आप देखिएगा क्या है तो दोपहर को 12 बजे आपकी संख्यात्मक या मानसिक क्षमता परीक्षा जिसे आप मैथ्स कहते हैं तो याद रखिएगा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है 12 बजे जो है मैथ्स की क्लास होगी दोपहर को तीन बजे कानून संविधान कानून सामान्य ज्ञान होगा मतलब तीन बजे जो है बेटा मूल विधि होगा कॉन्स्टिट्यूशन होगा और जनरल अवेयरनेस के और भी सारी चीजें आपको यहां पर कराई जाएंगी भाई सेशन को लाइक और शेयर करो यार ये बहुत ही गलत बात है यार एक तो आप लोगों ने कहा कि हमारे लिए सीरीज शुरू करिए और जब सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं तो आप लोग ही नहीं आते हैं तो भाई इससे फायदा क्या है ये बताओ भाई हम इतनी मेहनत क्यों करें आप लोगों के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जब आपको आना ही नहीं है तो मुझे बता दो यार फिर बेटा मैं क्यों ये सीरीज आपके लिए चलाऊं मैं मतलब बंद कर देता हूं मुझे मुझे कोई शौक थोड़ी थोड़ी ना है मुझे थोड़ी ना एसआई का पेपर देना है पेपर देना तुम लोग को है जब तुम लोग से ऑनलाइन बेंचर्स के हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर पोल कराया तो आप लोगों ने कहा कि छे लोगों ने कहा कि सर हम तैयारी कर रहे हैं तो भाई जब तुम छे लोग तैयारी कर रहे हो तो तुम कहां हो प्रश्न तो यह आता है कि इसका मतलब या तो यह है कि आप लोग जो हैं बेटा हमें जो हैं गुमराह कर रहे हैं गलत तरीके से जवाब दे करके आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं और अगर सही जवाब दे रहे हैं तो भाई साहब लोग कहां हैं जो पढ़ने वाले हैं तो भाई आपको यहां पर आना पड़ेगा तभी बेटा मैं यहां पढ़ा सकता हूं आपको बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं याद रखिएगा ठीक है उसके बाद शाम को चार बजे हिंदी का क्लास होगी शाम को पांच बजे आपकी रीजनिंग होगी तो बारह बजे मैथ्स है तीन बजे जीएस है चार बजे हिंदी है पांच बजे रीजनिंग है तो आप देख सकते हैं भैया ये आपका है ठीक है अब होता क्या है सैटरडे को स्पेशल मैराथन क्लास होगी हर सैटरडे को तो हर सैटरडे को स्पेशल मैराथन क्लास होगी जो मंडे टू फ्राइडे बारह बजे तीन बजे चार बजे पांच बजे भैया ये टाइम देख लो आप लोगों के लिए है ठीक है अच्छा अब बात यहां पर यह आती है नाम समझो बेटा इसका नाम क्या है मूल विधि अब देखो यहां पर नाम क्या है इसका नाम है बेटा मूल विधि अब देखो, मूल विधि का मतलब क्या है समझो मूल का मतलब क्या होता है बेसिक या फंडामेंटल कह सकते हैं सो यहां पर मूल का मतलब क्या है बेसिक समझो बेसिक इसका मतलब है और विधि का मतलब क्या होता है लॉ होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक लॉ के क्वेश्चंस होंगे तो बेसिक लॉ आपको मालूम होना चाहिए इसी का मतलब होता है मूल विधि याद रखिएगा ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो नाम है मूल विधि मतलब बेसिक लॉ मतलब आपको एडवांस लॉ नहीं मालूम होना चाहिए बेसिक लॉ मालूम होना चाहिए और आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं यातायात के नियमों और संकेत को याद रखिएगा सो आज हम लोग बेटा ट्रैफिक लॉज और ट्रैफिक सिग्नल्स को पढ़ेंगे याद रखिएगा। so, आज ट्रैफिक लॉज और ट्रैफिक सिग्नल से हम शुरू कर रहे हैं बहुत शानदार क्लास होने वाली मजा आ जाएगा फटाफट सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए तो भाई ये शेड्यूल आप लोग रख लीजिए ओके याद रखिएगा यूपीएसआई 2021 वर्दी मेरा जुनून

अब भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति के बारे में जानते हैं तो भारत में सड़क दुर्घटना की स्थिति भारत में हर दिन 1214 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं कुल सड़क दुर्घटना में 25 परसेंट लोगों के लिए दो, दो परसेंट लोग के लिए दो पहिया वाहन चलते हैं याद रखिएगा देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर दिन चौदह वर्ष से कम उम्र के बीस बच्चों की मौत हो जाती है याद रखिएगा अब सोचिए बेटा भारत में आपको यहां पर समझना पड़ेगा भाई भाई साहब एक सेकंड आप लोग पहले यहां पर बकवास बंद करिए इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी बंद करिए ठीक है तो पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए फिर बात कर लीजिएगा जो करना है तो भारत में हर दिन 1214 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं समझिएगा सो भारत में हर दिन 1214 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं याद रखिएगा तो 1214 मतलब 1214 सड़क दुर्घटनाएं भारत में डेली हो रही हैं याद रखिएगा और इनमें से 25 परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि टू व्हीलर्स पे चलते हैं याद रखिएगा सो बहुत ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर दिन चौदह वर्ष से कम उम्र के बीस बच्चों की मौत हो जाती है अब सोचिए बेटा सो भारत में हर दिन चौदह वर्ष से कम उम्र के बीस बच्चों की मौत होती है तो पहली चीज तो यह है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो भाई साहब गाड़ी चला क्यों रहे हैं तो चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चला क्यों रहे हैं बाइक चला क्यों रहे हैं और भाई इस पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी मां बाप की है कि वह ध्यान दें कि उनके बच्चे जो हैं वो भाई साहब बिना उनकी निगरानी के गाड़ी वगैरह को ना ले जाएं और अगर उनकी उम्र अठारह साल से कम है तो वैसे ही भी गाड़ी चलाना उन्हें बिल्कुल मना है तो यह देखिएगा बीस बच्चों की मौत होती है डेली याद रखिएगा चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हमारे देश में यातायात के अनेक नियम हैं जिनको सड़क दुर्घटना से बचने के लिए बनाया गया है यदि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें तो सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं भारत में यातायात नियम न्यू मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार हैं। सो अब आपको मालूम है कि हमारे देश में 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट पास किया गया था याद रखिएगा सो हमारे देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 पेश किया गया था और आजकल हमारे देश में सारे कानून मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 2019 के अनुसार हैं याद रखिएगा तो बेटा यातायात नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि देश में रोड सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके और कम से कम एक्सीडेंट्स हो और लोग जो हैं अपने स्थान से दूसरे गणतंत्र स्थान तक पहुंच सके याद रखिएगा ठीक है आगे बात यह आती है अब समझिएगा <coughs> यह देखिएगा पहले यह सिंबल को देखिए पहले भाई साहब ये सिंबल देखिए सिंबल क्या है जल्दी बताइएगा ये सिंबल क्या है देखिएगा इस सिंबल को देखिएगा तो इससे क्या दिखाई दे रहा है कि इससे यह दिखाई दे रहा है कि यह रोड जो है बेटा ये आपसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंबल दिया गया पूछा गया यह सिंबल क्या है याद रखिएगा ठीक है तो ये सिंबल जो है बेटा वन वे सिंबल है वन वे मतलब का मतलब क्या होता है वन वे का मतलब होता है कि इस सड़क पर टू वे ट्रैफिक नहीं जा सकता मतलब मान लेते हैं कि अगर ये सड़क है और ट्रैफिक ऐसे चल रहा है तो फिर वो ट्रैफिक इस तरह से नहीं आ सकता ये अलाउड नहीं होगा तो वन वे ट्रैफिक ये सिंबल को देखिए तो ये सिंबल जो है बेटा वो वन वे ट्रैफिक को दर्शा रहा है याद रखिएगा वन वे नियम के अनुसार गाड़ी को मोड़ नहीं सकते हैं इसे सीधी ही चलाते रहते हैं जब तक कि कोई मोड़ ना आ जाए वन वे पर गाड़ी चलाते समय दूसरे वाहनों से कुछ फासला बनाए रखना चाहिए इस नियम का अर्थ है कि आप एक ही दिशा में गाड़ी चला सकते हैं तो यहां पर साफ शब्दों में लिखा है कि वन वे का मतलब यह होता है कि आप गाड़ी जो है बेटा मोड़ नहीं सकते आपको एक ही डायरेक्शन में चलना होता है जब तक कि कोई मोड़ खुद से ना आ जाए याद रखिएगा सो यह सिंबल जो है यह क्या है यह वन वे का सिंबल है याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह वन वे सिंबल को डिफाइन कर रहा है याद रखिएगा ठीक है हां जी दूसरा सिंबल ये देखिएगा ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आपको बहुत विशेष कर ध्यान देना चाहिए याद रखिएगा अगर आप सड़क पर कभी जा रहे हो और ये सिंबल बना हो तो बेटा ये सिंबल जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है और ये दर्शा रहा है कि आप देख सकते हैं बच्चे बने हुए हैं इसे दिखाया जा रहा है कि आगे जो है स्कूल है और आगे स्कूल है यह बताया जा रहा है यह चिन्ह स्कूल आने से पहले सड़क के किनारे लगा होता है जिससे वाहन चलाने वालों को पता चल सके कि आगे स्कूल है इसलिए गति धीमी रखें तो अगर आप बहुत तेजी से जा रहे हैं तो आपको यह सिंबल दिखाई देगा इस तरह से तो यह सिंबल बताता है कि भैया आगे स्कूल है और छोटे बच्चे हो सकते हैं तो छोटे बच्चे हो सकते हैं इसलिए आपसे कहा गया कि कृपया करके भैया गाड़ी की गति को धीमी कर लीजिए याद रखिएगा सो गाड़ी की गति को धीमी करना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है क्योंकि आगे स्कूल है याद रखिएगा ये चिन्ह जो है बेटा स्कूल हेड साइन होता है याद रखिएगा ठीक है ये देखिएगा ये साइन आपने देखा होगा अक्सर ये है बेटा फर्स्ट एड पोस्ट साइन ये देखेगा ये दिखा रहा है कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और ये साइन आपको दिखाई देता है तो इससे याद रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है यह ये देखिएगा ये बहुत ही अच्छा साइन है यह दिखा रहा है कि भैया जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं या आप बीमार हैं या किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप सड़क पर जा रहे हैं तो आपको यह सिंबल दिखाई देता है इससे दिखाई देता है एक प्राथमिक चिकित्सा संकेत एक दृष्ट संकेतक है जो आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा सहायक संकेत के निकट या प्रत्यक्ष आसपास के क्षेत्र में है यह आमतौर पर एक सफेद या हरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ लाल या सफेद प्लस चिन्ह के लेता है और एक सार्वभौमिक प्रतीक है तो याद रखिएगा यह बहुत ही अच्छा प्रतीक है और सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल है, बेटा। मतलब हर, की सुविधा है. सो की में हर तरह की यहां पर सुविधाएं आपको दी जा सकती है फर्स्ट एड की सो याद ये काफी होते हैं. और आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन जो है फर्स्ट एड से पूछे गए हैं याद रखिएगा ठीक है ये देखेगा अब देखेगा ये सिंबल आपने सड़कों पर अक्सर देखा होगा खास तौर से मार्केट्स वगैरह में देखा होगा ये लगा रहता है कि भैया नो पार्किंग ये नहीं है कि भैया जहां मंच वहां गाड़ी खड़ी कर दें तो अगर ये सिंबल है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि भैया नो पार्किंग आगे कोई पार्किंग नहीं है नो पार्किंग साइन याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक केयर ऑफ पार्किंग हमेशा अपने वाहन की पार्किंग दूसरे वाहनों से कुछ दूरी पर करनी चाहिए जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो सही स्थान पर ही पार्किंग करनी चाहिए सड़क के बीचों बीच या किसी चौराहे पर पार्किंग नहीं करनी चाहिए इससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो सकती है खाली स्थान पर ही पार्किंग करनी चाहिए सो नो पार्किंग साइन बेसिकली वहां लगाई जाती है जहां पर आप गाड़ी खड़ी करके चले जाए तो इससे बेसिकली क्या होता है बेटा की काफी भीड़ हो सकती है जाम लग सकता है ट्रैफिक रुक सकता है इसलिए नो पार्किंग साइन है टेक केयर ऑफ पार्किंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीख बेटा जल्दी बताइएगा सो टेक केयर ऑफ पार्किंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है नो no पार्किंग आप यहां पर भैया गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते बहुत अच्छे भाई साहब सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ठीक है।, है मुझे बिल्कुल आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे सोचा कि आप लोग को मूल विधि पढ़ाते हैं ठीक है ठीक है मैं सोचा कि आप लोग को मूल विधि पढ़ाऊंगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आएंगे मुझे लगा कि आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर बताया कि आप 600 लोग ऐसे हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और हमें आपके लिए यूट्यूब पर कुछ करना चाहिए जब हम आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आप क्लास में नहीं आते हैं तो मतलब जब आप ही अपनी पढ़ाई के लिए आ, कहते हैं ना बेटा सीरियस नहीं है तो फिर हम आपकी पढ़ाई के लिए क्यों सीरियस हो प्रश्न तो यह है बेटा ये गिव एंड टेक का रिलेशन है मतलब कि आप हमारा साथ देंगे तभी हम आपका साथ दे सकते हैं मतलब यहां पर मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि भैया मैं यहां पे खड़ा हूं और आप लोग को पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो बिल्कुल सही बात है अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिर भी हमें बता दें हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे फिर ठीक है ठीक है बेटा गुरु जी इंग्लिश में नहीं है क्या रुपेश जी इंग्लिश और हिंदी क्या होती है क्या आपको हिंदी नहीं आती है रुपेश जी क्या आपको हिंदी नहीं आती है मुझे ऐसी तो उम्मीद नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आती होगी भारत में हर इंसान को हिंदी आती है तो कृपया करके हिंदी पढ़ें और यूपीएसआई में हिंदी का बहुत महत्व है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये देखिएगा ये देखिएगा यहां पर सिंबल देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दिखा रहा है कि यहां से आप ऐसे ना करें मतलब ओवरटेक प्रोहिबिटेड सो भैया ये बता रहा है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते याद रखिएगा ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह देखिएगा बेटा ओवरटेक ना करें डोंट ओवरटेक वाहन चलाते समय दूसरों को ओवरटेक करते हैं ऐसा करना काफी खतरनाक होता है और इसमें कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत से लोग सड़कों पर दूसरे वाहनों से प्रतिस्पर्धा करने में लग जाते हैं और वाहनों को तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए ओवरटेक करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं कभी ओवरटेक तेज रफ्तार में नहीं करना चाहिए धीरे रफ्तार में करना चाहिए जब वाहनों के बीच उचित दूरी हो सो भैया ऐसा नहीं है ना कि आप जब चाहें तब जो है बेटा ओवरटेक कर लें, ऐसा नहीं है पहले तो ओवरटेक करना है तो आपको बेटा अपनी स्पीड कम करनी होगी दूसरी चीज ओवरटेक हमेशा बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा कि राइट साइड से किया जाता है ओवरटेक कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं किया जाता है कारण यह है क्योंकि हमारे देश में राइट साइड ड्राइविंग है तो जब बेटा हमारे देश में राइट साइड ड्राइविंग है याद रखिएगा तो उस कंडीशन में ओवरटेक भी जो है आप राइट साइड से ही कर सकते हैं याद रखिएगा ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है तो याद रखिएगा तो राइट साइड से ओवरटेक करें प्लस धीरे करें जब देखेंगे खाली जगह है तब करें यह नहीं कि फड़फड़ाते हुए निकल गए बेटा यह देखिएगा बेटा ये, ये अक्सर जो है आप देखेंगे अस्पतालों के के आसपास आसपास स्कूलों बोर्ड लगा हुआ आपको दिखाई देता है सो अक्सर स्कूलों के आसपास और अस्पतालों के आसपास ये बोर्ड आपको दिखाई देगा इसे कहते हैं नो हॉर्न तो यह भैया हमने क्या सिंघा शिवम सिंघानिया साहब यह क्या मैंने हिंदी या संस्कृत या नेपाली तो लिखा नहीं है भाई शिवम सिंघानिया साहब ये अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है ये बेटा मैंने सिंधी में तो लिखा नहीं है संस्कृत में तो लिखा नहीं है ठीक है लेकिन हर इंसान के अंदर जो होता है ना बेटा वो एक तर्क करने का आदत होती है कुछ लोग बेफालतू में करते हैं कुछ लोग कुछ करते हैं ठीक है एनी सो डोंट यूज हॉर्न भारत में बहुत से लोग सड़कों पर तेज आवाज में लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं जिससे बहुत शोर शराबा होता है और लोगों की परेशानी भी होती है यदि हॉर्न बजाना हो तो एक या दो बार बजा दें लगातार ना बजाते रहें इससे ध्वनि प्रदूषण होता है सो पहली चीज आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए बेटा हॉर्न हॉर्न बजाना तो मैं सच बता रहा हूं एक बहुत ही अनसिविलाइज कल्चर होता है विदेश भारत में तो आप देखेंगे कि लोग जो है बेटा बहुत ज्यादा हॉर्न बजाते हैं पता नहीं जाम लगाए तब भी लोग हॉर्न बजा रहे हैं पता नहीं सामने वाली गाड़ी में जो है बेटा वो हवाई जहाज का इंजन लगा दें और हवा मुड़ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता सो so बेटा सच बता रहा हूं ना हॉर्न बजाना कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन से जुड़ा होता है ये दिखाता है कि आप कितने सभ्य हैं और कितने सभ्य नहीं हैं तो ज्यादा हॉर्न बजाना ये दिखाता है कि आपके अंदर बहुत असभ्यता बहुत अनसिविलाइज्ड इंसान है तो याद रखिएगा याद रखिएगा तो हॉर्न तभी बजाना चाहिए जब बहुत आवश्यकता हो हॉर्न बजाना तब चाहिए जब आप देख रहे हैं सामने एक मोड़ हो रही है तो मोड़ आ रही है तो भैया हॉर्न बजा दो ताकि सामने उधर से कोई ना आए या आप देख रहे हो कि भाई आप ओवरटेक करने जा रहे हो तब एक हॉर्न बजा दिया लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि आप हमेशा जो है हॉर्न ही बजाते रहे टै ड आप तो देखेंगे लोग हमारे देश में प्रेशर हॉर्नस भी लगा लेते हैं जिसमें अलग अलग टाइप की म्यूजिक निकलती है वो ट्रकों में अक्सर आपने देखा होगा लगे रहते हैं ना उसमें अलग अलग म्यूजिक भी निकलती है तो बेटा ऐसा नहीं कर सकते याद रखिएगा हाँ जी डोंट यूज हॉर्न ये देखिएगा ये, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ये साइन बताता है कि भैया यहां से आप यू टर्न नहीं ले सकते देखो बेटा बहुत सारा ये बताता है कि ये जो है कह रहा है कि आप यू टर्न नहीं ले सकते बहुत से लोग सड़कों पर एक ही दिशा में चलते हुए अचानक से यू टर्न ले लेते हैं पर इस तरह से वाहन चलाना खतरनाक होता है इससे दुर्घटना हो सकती है जिस जगह टर्न प्रोहिबिटेड का बोर्ड लगा है वहां से टर्न नहीं लेना चाहिए टर्न लेने के लिए किसी चौराहे या अंडर पास का इस्तेमाल करना चाहिए तो याद रखिएगा टर्न आप तभी ले सकते हैं बेटा जब याद रखिएगा सामने एक चौराहा हो या एक अंडर पास बना हो तो बिना चौराहे और अंडर पास के आप टर्न नहीं लेना चाहिए वैसे बड़े शहरों में तो स्कोप नहीं होता है यूटर्न लेने का बड़े शहरों में यूटर्न लेने का स्कोप होता नहीं है याद रखिएगा लेकिन हाँ छोटे शहरों में आप देखते हैं लोग कहीं से भी कहीं भी गाड़ी जो है घुमा देते हैं बेटा ये गलत तरीका है ठीक है सो डोंट टेक यू टर्न ये देखिएगा ये आप देखेंगे अक्सर ये देखिए लगा होता है डोंट चेंज चेंज द लेन साइन ये देखिए ये बहुत अच्छा साइन है याद रखिएगा ठीक है हाँ ये बहुत अच्छा है यह कह रहा है कि अपनी लेन को ना बदलें याद रखिएगा ठीक है तो यहां पर बताया जा रहा है कि अपनी लेन को ना बदलें सड़क पर वाहन चलाते हुए हमेशा अपने लेन में रहना चाहिए एक ही लेन में वाहन चलाना चाहिए बार बार लेन नहीं बदलनी चाहिए इससे पीछे से आ रहे वाहन समझ नहीं पाते हैं कि आप किस दिशा में मुड़ने वाले हैं जो लोग एक ही लेन में गाड़ी चलाते हैं वो सुरक्षित रहते हैं किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती है सो आपको पहले समझना है भाई समझो कि आप देख रहे हो कि रोड में ये एक रोड है ठीक है इसमें लेन वन है लेन टू है लेन थ्री है अब आपको बेसिकली राइट टर्न लेना है आपको इधर मुड़ना है राइट टर्न लेना है और आपको हो सकता है कि लेफ्ट टर्न लेना है अब होता क्या है कि जब तुम्हें राइट right लेन लेना है तो भैया इस रोड में चलो ना ताकि तुम आराम से ले सको लेकिन हमारे भारत में लोग क्या करते हैं यहां से जाकर ऐसे मोड़ते हैं या यहां से आकर ऐसे मोड़ते हैं यह बेकूफी है तो अपनी लेन्स को चेंज ना करिए पहले देख लीजिए कि आपको किधर जाना है और जिधर जाना है उसके हिसाब से चलें सो प्लीज डोंट चेंज द लेन याद रखिएगा सो लेन चेंज करने को रोकने को कहा जाता है याद रखिएगा ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा यह ये सिंबल आपने देखा होगा नो एंट्री साइन हां जी नो एंट्री का अर्थ है कि उस दिशा में आप वहां लेकर प्रवेश नहीं कर सकते नो एंट्री का साइन बोर्ड तब लगते हैं जब कोई दुर्घटना हो गई हो या सड़क बन रही हो या कोई कारण हो कभी भी नो एंट्री जबरदस्ती नहीं प्रवेश करना चाहिए इससे आप अपने जीवन खतरे में डाल सकते हैं सो याद रखिएगा अगर सामने बोर्ड लगा है भैया नो एंट्री ठीक है अगर सामने से बोर्ड लगा है कि भैया नो एंट्री आप सामने से खुद लिखा हुआ है कि आप एंट्री नहीं कर सकते और भाई अगर आप उसमें एंट्री कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को खतरे में जरूर डालेंगे तो नो एंट्री का साइन ऐसा होता है ठीक है ये देखिएगा बेटा ये बड़ी अच्छी है ये है यहां पर स्पीड लिमिट्स यह देखिएगा यहां पर 50 100 130 स्पीड लिमिट साइंस इस तरह से दिखाई देते हैं आप लोगों ने बहुत सी जगह स्पीड रेस्ट्रिक्शन साइन देखी होगी जैसे स्पीड लिमिट 45 किलोमीटर पर आवर जहां भी आपको इस तरह के साइन दिखाई तो उतनी स्पीड के अनुसार अपनी गाड़ी चलाएं उससे अधिक ना करें तो याद रखिएगा ये जैसे एक्सप्रेस देख सकते हैं यहां एक का भी लगा हुआ है यहां हंड्रेड का लगा है यहां पचास का लगा है याद रखिएगा तो भाई ये स्पीड लिमिट साइंस होते हैं इसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से जो

और अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है कि पी बना हुआ है और वो कटा हुआ है सो पी बन के कटा हुआ है इसका मतलब है भैया कि ये नो पार्किंग है बहुत से लोग अपने वाहनों को सड़क के किनारे या किसी भी जगह खड़ा कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है आपको अपने वाहन को हमेशा पार्किंग एरिया में खड़ा करना चाहिए दूसरे वाहनों से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा करना चाहिए तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्किंग एंड नो पार्किंग याद रखिएगा ठीक है ठीक है ये देखिएगा हां जी ये तो सब लोग जानते हैं ट्रैफिक लाइट्स ये तो सभी लोग को मालूम है लाल हरी और पीली ट्रैफिक लाइट का अर्थ रेड ग्रीन एंड येलो तो भाई आप सबको मालूम है ये ठीक है बेटा हाँ जी ठीक है बेटा हाँ तो ग्रीन तो आप जानते हैं क्या होता है कि ग्रीन का मतलब है सिग्नल चल रहा है आप आराम से चलते रहिए रेड का मतलब है कि भैया आप गाड़ी आप आगे नहीं बढ़ा सकते और येलो का मतलब है कि सिग्नल ग्रीन होने वाला है और सिग्नल रेड होने वाला है तो येलो का मतलब है कि सिग्नल रेड होने वाला है बस तुरंत आप उसे रोकिए याद रखिएगा ठीक है तो ये जो है बिफोर रेड होता है तो रेड से पहले येलो होगा पहले ग्रीन होता है फिर येलो होता है फिर रेड हो जाता है याद रखिएगा सो ग्रीन येलो रेड याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है हा और बहुत सारे लोग जो हैं बेटा गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग पर रोकते हैं याद रखिएगा गाड़ी कभी भी जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं रोकी जाती है गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं होती है क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है याद रखिएगा वो पैदल पार करने वालों के लिए होती है अगर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक में ऐसा बना आ रहा है मतलब ये लिख रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग पर अभी मत जाइए और जब ऐसा लग रहा है, रहा है कि मतलब इस चलता हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर सकते हैं याद रखिएगा साफ दिखाई दे रहा है लेफ्ट कटा हुआ है तो लेफ्ट मुड़ना यहां पर कटा हुआ है समझ में आ रही है बेटा हाँ जी सो लेफ्ट मुड़ना यहां पर आप देखेंगे कटा हुआ इसका मतलब है कि यहां से नो लेफ्ट टर्न आप भाई साहब यहां पर लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते तो बाएं मुड़ना मना है याद रखिए वैसे अक्सर आप देखते हैं कि बाय मुड़ना हमारे देश में फ्री होता है आप कहीं से भी बाय मुड़ सकते हैं लेकिन कई ऐसी जगह हैं कि जहां बाएं नहीं मुड़ सकते यह सिंबल है इसका मतलब है कि नो राइट टर्न अब राइट टर्न नहीं ले सकते इस चिन्ह का अर्थ है कि दाई तरफ मुड़ना मना है ठीक है तो दाई तरफ नहीं मुड़ सकते यह देखिएगा यह सिंबल्स आपको बेसिकली एक्सप्रेस हाईवे पर दिखाई देते हैं कभी एक्सप्रेस हाईवे पे जाइएगा यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे चले जाइए या किसी ब्रिजेस वगैरह पे चले जाइए एयरपोर्ट्स वगैरह के पास जाइए तो यह मिलता है नो स्टॉपिंग इस चिन्ह का अर्थ है कि वाहन को खड़ा करना मना है तो यहां पर आप गाड़ी रोक नहीं सकते हैं नो स्टॉपिंग मतलब आपको लगातार चलते रहना है क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है आपको चलते रहना है तो याद रखिएगा ये सिंबल देख लीजिए बेटा नीले रंग का है बीच में इस तरह से कटा हुआ है इसका मतलब है नो स्टॉपिंग आप यहां पर रुक नहीं सकते हैं याद रखिएगा ये तो साफ दिखाई दे रहा है ये तो आप समझ ही सकते हैं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है यहां से कुछ नहीं करना है यहां पर आपको ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि भैया यहां पर क्या लिखा है ये ट्रक है और कट है तो इसका मतलब है ट्रक नहीं जा सकते इस चिंत का अंत है कि आप उस मार्ग में ट्रक नहीं चला सकते हैं सिंपल है तो ये तो सिंपल दिखा रहा है कि इस रोड पर आप ट्रक नहीं लेके जा सकते ट्रक प्रोहिबिटेड है याद रखिएगा ठीक है हां जी अब ये देखो बेटा ये आप देखेंगे कि ये आपको हाईवे पर अक्सर दिखाई देता है एनिमल रोड्स एनिमल हां जी यह चिन्ह दर्शाता है इस मार्ग पर कुछ पशु मिल सकते हैं इसलिए वाहन को धीमा करें और सावधानी से चलें तो ये बता रहा है कि देखिए यहां पर आपको ये देख सकते हैं यहां पर बेटा आपको गाय मिल सकती है यहां पर आपको हिरन वगैरह मिल सकते हैं नील गाय मिल सकती है हाथी मिल सकते हैं खासतौर से आप कभी अः जो आपका ये जंगल वाली रोड्स होती है ना जैसे आप कभी ऋषिकेश और हरिद्वार वाली रोड पे जाइए रात में सो आप देखेंगे वहां पर ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक जो हैं सिंबल्स लगे होते हैं एनिमल सिंबल्स कि भाई आगे जो हैं आपको सड़क पर जानवर मिल सकते हैं सो कृपया करके धीरे चलें और खुद को भी सावधान रखें ठीक है क्योंकि इस रोड पर जानवर आने की उम्मीद है ये देखिए बेटा ये तो सब लोग जानते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है कि ये कार्य प्रगति पर है ये तो दिखाता है मैन एट वर्क तो भैया ये दिखाता है कार्य प्रगति पर है मैन एट वर्क ये देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है गुड आफ्टरनून रितेश श्रीवास्तव आ जाइए सो ये दिखा रहा है इस चिन्ह का अर्थ है कि आगे सड़क की मरम्मत हो रही है मजदूर कामगार सड़क बना रहे हैं इसलिए गति धीमी रखें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं याद रखिएगा ठीक है भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो ये दिखा रहा है कि भैया आगे काम चल रहा है इसलिए कृपया करके आप धीरे रहें याद रखिएगा ठीक है कंट्रोल पर रहें स्पीड को ये देखिएगा ये दिखा रहा है देख रहे हैं बेटा ये दो चीजें ऐसे बनी है और नैरो दिखा रहा है तो ये दिखा रहा है कि नैरो ब्रिज आगे जो पुल है वो संकरा है ठीक है इस चिन्ह का अर्थ है कि जिस पुल पर आप वाहन चला रहे हैं वह आगे संकरा होने वाला है इसलिए गति धीमी रखें सो नैरो ब्रिज ये बता रहा है कि आगे भैया जो ब्रिज है वो नैरो हो जाएगा मतलब ब्रिज की जो चौड़ाई है वो आगे जाकर कम हो जाएगी सो कृपया करके इसका सामान ध्यान रखें नैरो ब्रिज याद रखेगा सो जिस ब्रिज पर आप जा रहे हैं वो आगे जाकर नैरो हो जाएगा चौड़ाई नहीं बढ़ेगी बल्कि कम हो जाएगी याद रखिएगा ठीक है हां जी चलिए भाई तो ये ट्रैफिक हो गए कैसा रहा जल्दी बताइएगा अब कुछ हम लोग जो है सेक्शंस पढ़ेंगे अब हम कुछ सेक्शंस पढ़ने वाले हैं यहां तक बताइए सबको क्लियर हो गया यहां तक सबको क्लियर हो गया फास्ट जल्दी बताएं यहां तक सबको क्लियर हो गया हां जी यहां तक बताइएगा अब सेक्शंस हमें पढ़ने हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है याद रखिएगा ठीक है बहुत बढ़िया तो ये ट्रैफिक के हमारे सिग्नल्स हो गए अब देखिएगा न्यू ट्रैफिक रूल्स लिस्ट अब देखो ठीक है हाँ जी अब देखो बेटा क्या होता है कि अब ये रेगुलेशन आप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जैसे कि रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन धारा 177 सेवन ए ये देखिएगा सो आप अगर रेड लाइट का उल्लंघन करते हैं तो 177 सेवन ए याद रखिएगा पहले बेटा इस पर सौ रुपए लगते थे अब इस पर पांच सौ रुपए लगते हैं याद रखिएगा पहले सौ रुपए थे अब पांच सौ रुपए

आप जो हैं कार चला रहे हैं पहले एक हजार रुपए था अब पांच हजार रुपए जुर्माना है जी अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग मतलब आप ड्राइव करने के लिए अयोग्य हैं फिर भी आप बाइक चल, गाड़ी चला रहे हैं पहले पांच सौ रुपए लगते थे अब दस हजार रुपए लगते हैं आप अयोग्य हैं फिर भी गाड़ी चला रहे हैं अच्छा ये है अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना अब है बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना 181 यहां पर क्या था अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना मतलब आपके पास लाइसेंस तो मोटरसाइकिल का है लेकिन आप कार चला रहे हैं यहां पर है कि आपके नाम पर लाइसेंस ही नहीं है पहले ₹500 था ₹5000 जुर्माना है सेक्शंस याद रखिएगा तो 177 ए रेड लाइट का है 179 अथॉरिटी के आदेश को नहीं मानना है 180 धिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना अयोग्यता के बाद ड्राइविंग करना बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना वन एट्टी वन याद रखेगा ओवर साइज जो साइज बताया गया उससे बड़ा वाहन चलाना वन एट्टी टू पांच हजार रुपए जुर्माना है ओवर स्पीडिंग वन एट्टी थ्री पहले चार सौ रुपए था अब एक हजार रुपए हो गया है खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना वन एट्टी फोर पहले एक हजार रुपए था पांच हजार रुपए है शराब पीकर गाड़ी चलाना एक पहले दो हजार रुपए था अब दस हजार रुपए है रेसिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना वन एट्टी नाइन पहले पांच सौ रुपए था पांच हजार है ओवर लोडिंग ओवर लोडिंग दो हजार रुपए और दस हजार रुपए प्रति टन अतिरिक्त अब बीस हजार रुपए और दो हजार रुपए प्रति टन तो ओवर लोडिंग 194 में आता है याद रखिएगा यह सब बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं 182B, 183, 184, 185, 189, 194 याद रखेगा हाँ जी सीट बेल्टन नाइनटी फोर बी पहले सौ रुपए थे अब एक हजार रुपए हैं। बिना परमिट ये कमर्शियल गाड़ियों के लिए है बिना परमिट के वन नाइनटी टू ए पांच हजार अब दस हजार रुपए तक लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन लाइसेंस की जो कंडीशन उनका उल्लंघन पहले कुछ नहीं था अब बेटा पच्चीस हजार रुपए से एक लाख रुपए तक जुर्माना है पैसेंजर की ओवरलोडिंग अगर पैसेंजर्स तुमने ज्यादा बैठा रखे हैं पहले कुछ भी नहीं था अब एक हजार रुपए दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग पहले, पहले दो हजार रुपए है और तीन महीनों के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता है हेलमेट ना पहनने पर सौ रुपए अब एक हजार रुपए और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द याद रखिएगा पहले सौ रुपए थे हेलमेट ना पहनने पर अब एक हजार रुपए है और साथ में जो है आपका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है एमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर 194 नाइनटी ई जैसे कि एम्बुलेंस है ठीक है बेटा फायर वाली गाड़ी है इन सबको रास्ता ना देने पर पहले कुछ भी नहीं होता था आप दस हजार रुपए बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना 196 नाइन्टी सिक्स एक हजार अब दो हजार रुपए दस्तावेज को लाने की अधिकारियों की शक्ति ठीक है हाँ दस्तावेजों को लगाने की अधिकारियों की शक्ति कुछ भी नहीं ये देखिएगा ठीक है अधिकारियों को लागू करने के लिए नए अपराध टू कुछ भी नहीं पहले ये था ठीक है बेटा हां जी तो यहां तक आपको याद रखना ही है ये भले ही ना करिए ये ना करिए कुछ भी नहीं है लेकिन यहां तक तो आपको मालूम होने चाहिए याद रखिएगा हां जी सो तो ये सारे के सारे बेटा मेरे ख्याल से ट्रैफिक लॉस यातानात नियम और संकेत सबको क्लियर हो गए होंगे ठीक है हाँ जी <coughs> ठीक है हम्म चलिए बताइए कैसा रहा आपको आज की क्लास सब लोग मुझे बताइएगा तो आज की क्लास कैसी रही फास्ट आज की क्लास कैसी रही सब लोग प्लीज जरूर बताइएगा और यूपीएसआई 2021 वर्दी का जुनून इंडियन पॉलिटी की 200 सौ एमसीक्यू सैटरडे को दोपहर बारह बजे में कराऊंगा तो सैटरडे को बारह बजे एमसीक्यू होंगे याद रखिएगा आना मत भूलिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है और जुनून यूपीएसआई 2021 कंप्लीट मास्टर कोर्स भैया देखो 18 मार्च से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है देख लीजिए पहले मैं आपको बता देता हूं यह हमारा कोर्स शुरू हो रहा है उन्नीस रुपए फीस है लेकिन अगर आपने हमारा कोड इस्तेमाल किया ओबी ट्वेंटी तो आपको 20 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आप सोलह सौ रुपए में इस कोर्स को खरीद सकते हैं सुनिएगा इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको जीएस वाला सेक्शन जुबैर सर साइंस वाला सेक्शन और रोशन सर जो है आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे तो रोशन सर स्टैटिक जीके जुबैर सर आपका साइंस और मैं बाकी जीएस पढ़ाऊंगा मूल विधि कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न हिस्ट्री सारी चीजें नेहा मैम रीजनिंग और अभिषेक सर हिंदी पढ़ाने वाले हैं ठीक है अभिषेक सर हिंदी पढ़ाने वाले हैं और मैथ्स भी आपको इसमें कराई जाएगी ठीक है बेटा मजा आ गया थैंक यू ठीक है अधिक जानकारी के लिए सेवन डबल सिक्स डबल नाइन डबल फाइव फोर डबल टू पर आप हमें कॉल कर सकते हैं सो आप बेटा हमारे बैच को खरीद सकते हैं इस बैच में आपको 200 प्लस लाइव क्लास 300 प्लस आर्ट्स 120 पीडीएफ 4000 प्रैक्टिस क्वेश्चन कंटेंट बाई होगा और डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलते हैं Buy फ्रॉम ऑनलाइन बेंचर्स और ऑनलाइन बेंचर्स डॉट कॉम तो आप इसे ऑनलाइन बेंचर्स की ऐप या वेबसाइट दोनों से खरीद सकते हैं ठीक है बेटा जल्दी बताइए फास्ट मजा आ गया सबको तो अगर कोई भी बैच अगर आपको खरीदना हो तो आप भाई हमें सेवन डबल सिक्स डबल नाइन डबल फाइव फोर डबल टू पर कॉल जरूर करिए ठीक है भाई थैंक यू जय हिंद जय मातरम थैंक यू